हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित भियली में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिनके पास पुराना वोटर कार्ड है, यानी कि पहले जो ब्लैक एंड वाइट वोटर कार्ड आता था, अगर आपके पास वो वोटर कार्ड है और आप चाहते हैं कि जो अभी डिजिटल वोटर कार्ड आ रहा है कलर में, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से आप घर बैठे आप अपना या अपने किसी रिश्तेदार का डिजिटल वोटर कार्ड ईपिक नंबर से डाउनलोड करेंगे, उसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चल सकेगा कि जो डिजिटल वोटर कार्ड है वो किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए लिए चलते हैं आपको न्यू टैब में। न्यू टैब में आने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है voters.eci.gov.in/login। उसके बाद एंटर कीजिएगा तो आप इस साइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ टाइप करके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे अभी तक अपना ID पासवर्ड नहीं बनाया है, तो साइन अप पे क्लिक करके पहले आप इसमें रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये पोर्टल में आप लॉगिन हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करके, ये जो कैप्चा है इसको टाइप करके आपको दिखलाते हैं। हमने सारा डाटा फिलअप कर दिया है, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। तो रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम OTP देख लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल को ऊपर करना है। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है ईपिक डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईपिक नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास ईपिक नंबर नहीं है तो फॉर्म रेफरेंस नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पे डाल सेलेक्ट करके डाल देना है। तो चलिए हमारे पास ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर डाल के और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना ईपिक नंबर डाल दिया है, उसके बाद हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार स्टेट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका सारा डाटा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, स्टेट, आपका ब्लॉक, मोबाइल नंबर, सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल को ऊपर कर देना है। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद जो आपके वोटर कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP भेजा जाएगा, तो यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP भेजा गया है, तो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये पेज कुछ रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद देखिए OTP वेरीफिकेशन डन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा डाउनलोड ईपिक, तो यहाँ ईपिक पे क्लिक कर देंगे। मेरा वोटर कार्ड जो है डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आपका जो वोटर कार्ड है वो कुछ इस प्रकार डिजिटल वाला दिखाई देगा, तो इसे आप प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, या आप अपने मोबाइल में
रख सकते हैं या आप अपने पीसी में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे आप अपना या अपने किसी रिश्तेदार का ईपिक नंबर के द्वारा डिजिटल वोटर कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।